ध्यान से सुनिएगा आज के वचन। हालेलुया। मैं पहला वचन आपके लिए पढ़ता हूं, भजन संहिता 37:25। जोर से अपने मन को तैयार करिए वचनों को सुनने के लिए। पूरी ईमानदारी के संग अपने मन को परमेश्वर के चरणों में लेके आइए, समर्पित करिए। हालेलुया। मोबाइल से ऑफ कर दीजिए, पूरा मन प्रभु के चरणों में लेकर आइए, अपना मन वचनों को समझने में लगाइए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। तो भजन संहिता 37:25 क्या कहता है? मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूं, परंतु मैंने न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना कभी उसके वंश को भीख मांगते देखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने विश्वास करते हैं कि हम धर्मी हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। हालेलुया। तो आप अगर धर्मी हैं तो विश्वास करिए वचन आपके लिए, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि धर्मी को कभी भी भीख मांगते हुए, उसके बच्चों को भीख मांगते हुए कभी नहीं देखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसकी सुरक्षा का कवच परमेश्वर ने पहनाया है। धार्मिकता क्या है? वो धार्मिकता जो यीशु के क्रूस से हमें मिली, मुफ्त में परमेश्वर ने हमें दी। हमारे पापों को इसने क्रूस पर लिया और अपनी धार्मिकता हमें मुफ्त में दे दी। प्रेज द लॉर्ड। और वही धार्मिकता हमें धनी बनाती है, वही धार्मिकता हमें ऊंचा बनाती है, वही धार्मिकता हमें सुरक्षा देती है, वही धार्मिकता हमें यीशु से मिलवाती है, और वही धार्मिकता हमें बताती है कि हम उसके हैं और हमारा कोई भी दुश्मन, हमारा शैतान कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। हमें बस उस अंगीकार की जरूरत है, हमें बस ये समझना है कि वो धार्मिकता हमारे साथ है, उसकी शक्ति, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी आत्मा, उसका सामर्थ हमारे साथ है। वचन कहता है हम धर्मी हैं। हालेलुया। हमें पहचानना है, हमें जानना है। सुरक्षा का वो कवच जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुमूल्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग, ध्यान से सुनिएगा, कितने लोग अपने घर से जब निकलते हैं तो कपड़े पहन के निकलते हैं? क्या सवाल पूछ रहे हैं पास्टर आप, क्या सवाल पूछ रहे हैं? अरे कपड़े पहन के नहीं निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कपड़े पहन के निकलते हैं? शरीर के कपड़े पहन के निकलते हैं? आत्मिक कपड़े पहन के कभी निकले आप? आपकी धार्मिकता आपके पास, आपकी धार्मिकता आपकी कब रहेगी? जब आप घर से आत्मिक वस्त्रों में निकलेंगे। हालेलुया। हम शरीर के कपड़े तो पहन लेते हैं, सलवार सूट साड़ी ये वो, हालेलुया, श्रृंगार भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखते हैं कौन सी शर्ट अच्छी लग रही है। हालेलुया। कौन से बालों के साथ कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम आत्मा को नंगा करके घूमते हैं, हम आत्मा के कपड़े नहीं पहनते। हमारी धार्मिकता हमारे पास कब रहेगी? जब हम आत्मिक रूप में वस्त्र पहने हुए दिखेंगे। हालेलुया। देखिए, ये वचन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आज मैं फिर बताता हूं। इफिसियों 6:13-18 के बीच में, इफिसियों 6:13-18 के बीच में इस वचन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम सब धर्मी हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, वचन कहता है, भजनकार कहता है, यीशु मसीह कहता है कि हम लोग धर्मी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इफिसियों 6:13-18 के बीच में बाइबल में परमेश्वर ने हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं, हमें वो अस्त्र शस्त्र दिए हैं, हमें वो हथियार दिए हैं, हमें वो कपड़े दिए हैं जिससे हम अपनी आत्मा को सुरक्षित कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए देखिए, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ध्यान दीजिएगा, मेरी तरफ देखिए, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसका मतलब वो हथियार कहां है? हमारे पास, आपके पास, आपको दिए हुए। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर के हथियार ले लो,
उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर के हथियार मांग लो, वो क्या कहता है बांध लो, यानी कहां पर है आपके पास वो हथियार जो परमेश्वर के हैं, जिनसे आप अपनी आत्मा की सुरक्षा करेंगे, जिनसे आपकी धार्मिकता सुरक्षित रहेगी, वो हथियार कहां है आपके पास। बोलिए वो हथियार मेरे पास हैं, वो अस्त्र शस्त्र मेरे पास हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वो अस्त्र शस्त्र क्या है ध्यान से समझिए। बोलिए बहन, तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसलिए इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 13वां, कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आपकी स्थिरता के लिए हथियार है, बुरे दिनों के लिए हथियार है, क्योंकि अंतिम समय में शैतान जो आजकल बौखलाया हुआ है वो आपको षड्यंत्र का मोहरा बना रहा है। वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है, हमारे जीवन को ध्वस्त करना चाहता है, हमारी बुद्धि को छीन कर अपनी बुद्धि डालना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है वो हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में उसका सामना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, इसलिए सत्य से अपनी कमर एक मिनट एक मिनट 13वां निकालो, 13वां निकालो, बुरे दिनों में उसका सामना कर सको। ध्यान दीजिए, बाइबल क्या कहती है कि हमें उससे लड़ना नहीं है, उसका सामना करना है। हेलो, हथियार हमें जो दिए हैं वो सामना करने के लिए दिए, अपने बचाव के लिए दिए। हथियारों को पहनकर हमें उसका सामना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए बहुत जरूरी है, आप शैतान को नहीं जानते। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहला पत्रस 5:8-9 निकालिए, 8 निकालिए पहले, पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए अगर इन वचनों को आप समझना चाहेंगे तो आपको जरूरी है कि अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा सुनने की कोशिश है, आत्मा के द्वारा समझने की कोशिश है। प्रेज द लॉर्ड, सचेत रहो और जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड, आगे, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की भांति, हेलो, उसका जो चेहरा है, उसकी जो मस्तिष्क है, उसकी जो सोच है, वो फाड़ खाने वाली सोच है। एक जब गरजता हुआ सिंह अपने शिकार को देखता है ना, तो उसके चेहरे पर खाने की मुद्रा आ जाती है कि मैं मुंह खोलकर इसको खाऊंगा अभी। हालेलुया, यानी कि शैतान जब आपको देख रहा है तो वो गरजने वाले सिंह की भांति खाने की मुद्रा में है, आपको खाने की मुद्रा में है, आपको खत्म करने की मुद्रा में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दीजिए, आप घर से निकलते हैं अपने शरीर में कपड़े पहनकर, हालेलुया। कभी आपने देखा होगा कई बहनें, कई हमारी बच्चियां आजकल कम कपड़े पहन के निकलती हैं, निकलती हैं स्कर्ट्स ब्लाउज छोटे छोटे डाल लेती हैं। हालेलुया, क्या होता है उनको देखकर जो लड़के हैं जो ज्यादा अच्छे नहीं हैं सीटियां मारते हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्या करते हैं सीटियां मारते हैं, क्या करते हैं अगवा कर लेते हैं, क्या करते हैं उनका रेप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो वस्त्र हैं, उनकी जो वेशभूषा है वो उनको उत्तेजित करती है। प्रेज द लॉर्ड, ध्यान दीजिए, शैतान यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान आपको फाड़ने के लिए आपको देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, वो किसको देख रहा है, ध्यान दीजिए, वो किसको देख रहा है, वो आपको नहीं देख रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शैतान अब मैं पूरी साड़ी में जा रही हूं, पूरी लिपटी हुई जा रही हूं, बाइबल अपने हाथ में लेके जा रही हूं, हालेलुया, शैतान नहीं देख रहा है। शैतान क्या देख रहा है,
कि आपने अस्त्र शस्त्र कपड़े आत्मा के पहने कि नहीं पहने। हालेलुया। शैतान भूखे शेर की तरह आपकी आत्मा को देख रहा है, सत्य को इसने कमर से बांधा कि नहीं बांधा, इसकी अपनी अपनी आत्मा को, धार्मिकता के झिलम इसने पहनी कि नहीं पहनी आत्मा में। हेलो, वो आपको आपके शरीर को नहीं देख रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा को नष्ट करना चाहता है वो। मेरा शरीर अगर नष्ट भी हो जाए तो मेरी आत्मा प्रभु तक पहुंचेगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है कि अगर आपने दुनिया प्राप्त कर ली और अपनी आत्मा को खो दिया तो आपने क्या पाया। हालेलुया। मेरे पास 10 बंगले आ जाएं, 10 कारें आ जाएं, बैंक बैलेंस आ जाए, सब कुछ आ जाए, और मेरे पास अगर मेरी आत्मा ही नहीं है तो क्या फायदा, कोई जीने का फायदा नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान आपकी आत्मा को देख रहा है। वो जो अस्त्र शस्त्र दिए हैं बाइबल में इफिसियों 6:13-18, वो किसके लिए दिए गए? शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। इसी का पहला पढ़ो, 6:12, इफिसियों 6:12 पढ़ो, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? हेलो, हमारी लड़ाई किससे है? लहू और मांस से नहीं है, दिखने वाले आदमी से नहीं है हमारी लड़ाई। हमारी लड़ाई किससे है? आत्मिक सेनाओं से है। इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आपका जो मलयुद्ध है, आपका जो युद्ध है, वो किससे है? उस शैतान से नहीं है वो जो शरीर को देख रहा है, वो शैतान जो आपका आत्मा को देख रहा है। इसलिए आपकी आत्मा को कवर करने के लिए, आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने अस्त्र शस्त्र दिए हैं। क्या अस्त्र शस्त्र है? सत्य को अपनी कमर से बांधो, धार्मिकता की झिलम को पहनो, उद्धार का टोप पहनो, आत्मा की तलवार से प्रभु का वचन बांटो, विश्वास की ढाल को उठा लो, पैरों में सुसमाचार के जूते पहनो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है ये? आत्मा के अस्त्र शस्त्र है मेरी बहन। तो जब आप घर से निकलते हैं और शैतान आपको देख रहा है तो देख रहा है कि इसके पास सत्य है कि नहीं है, इसने सत्य को अपनी कमर से बांधा है कि नहीं बांधा है, धार्मिकता की झिलम है कि नहीं है। ये कहता है मैं धर्मी हूं, इसके पास धार्मिकता है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के पास जो आंखें हैं वो आपकी आत्मा को देखने के लिए है। हेलो। इसलिए जब आप घर से निकलते हैं, आपने घर से निकलते हो कपड़े तो पहन लिए, अरे घर से बाहर नंगे जाएंगे क्या हम? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? अरे घर से बाहर बिना कपड़े के कौन जाता है? लेकिन आत्मा नंगी जा रही है, उसकी कोई परवाह नहीं है। यहां तक कि आप आत्मा को भोजन भी नहीं देते, कलीसिया में आते हैं खा पी कर, हालेलुया, शरीर को अच्छा नाश्ता, अच्छा दूध जलेबी, हालेलुया, और खूब अच्छा नाश्ता, प्रेज द लॉर्ड। अब आप शरीर में तो आ रहे हैं ऐसे कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन अपनी आत्मा को आपने भोजन ही नहीं दिया। आपके अंदर से जो आत्मा है वो ऐसे आ रही है, आपको पता ही नहीं है। आपकी जो आत्मा है, जो आपके अंदर परमेश्वर ने जिंदा की है, उसको भोजन ही नहीं मिला, वो कमजोर है। शैतान के तीरों का सामना कौन करेगा? आप नहीं, ये आत्मा। प्रभु के पास कौन जाएगा? आप नहीं, ये आत्मा। वो तो कमजोर है। हालेलुया। कलीसिया जा रहा है, कलीसिया जाना है, आज सिर में दर्द हो रहा है, पास्टर से प्रार्थना करानी है,
टांगों में दर्द हो रहा है प्रार्थना करानी है, पेट में दर्द हो रहा है प्रार्थना करानी है, कोई आत्मा के लिए प्रार्थना ही नहीं करा रहा है। हेलो, क्योंकि हम आत्मा की चिंता नहीं कर रहे हैं और इसी का फायदा शैतान उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या देख रहा है, अरे वाह वाह वाह, ये बहन कितनी अच्छी है, अरे भाई चर्च की लीडर है, ये तो चर्च की लीडर है, इसको तो वचन भी याद है। अब ये घर से निकली तो शैतान देख रहा क्या है, सत्य को इसने आत्मा की कमर से बांधा है नहीं, ए, अटैक करो, अटैक करो। अब जो शैतान की सेना है वो आप पर अटैक करती है, क्योंकि सत्य को आपने अपनी आत्मा की कमर से नहीं बांधा है, धार्मिकता की झिलम आपने आत्मा में नहीं पहनी है, आत्मा की तलवार से वचन बोलने हैं। हालेलुया। उद्धार का टोप उसको आपने नहीं पहना है, तो शैतान क्या देख रहा है, आपका टोप देख रहा है, आपकी पवित्रता जो आपकी धार्मिकता में उसको देख रहा है, और जब वो देख रहा है कि नहीं नहीं इसको परवाह ही नहीं है अपनी आत्मा की, अटैक करता है। आपके पड़ोसी के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा अटैक करता है, आपकी भावनाओं पर अटैक करता है वो। और आप कह रहे हैं पास्टर मैं तो चर्च आ रही हूं, मैं तो बाइबल भी पढ़ रही हूं, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। अरे बहन, आपने आत्मा के अस्त्र शस्त्र नहीं पहने, आत्मा के वस्त्र नहीं पहने, मसीह के लिए आत्मा को सजाना जरूरी है, मसीह के लिए जरूरी है उसकी आत्मा, इसलिए परमेश्वर ने आपकी आत्मा को जिंदा किया है। इजिकेल 36:25-27 के बीच में, इजिकेल 36:25-27 के बीच में परमेश्वर ने आपकी आत्मा को जिंदा किया है। पढ़िए बहन, इजिकेल 36:26-27, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हाँ। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हाँ। मैं तुम्हें को नया मन दूंगा। हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, पुरानी आत्मा नहीं। इसलिए जब हम प्रभु में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हमें नई आत्मा मिलती है, नया मन मिलता है। हेलो, हमारी आत्मा पुरानी नहीं है। इसीलिए हमें एहसास होता है जब हमसे पाप होता है, कह रहे मैंने पाप कर लिया यार, क्यों, क्योंकि आपकी आत्मा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने कभी भी आज तक कड़वा नहीं खाया है, तीखा नहीं खाया है, और आपको अगर इतनी सीवी मिर्च खिला दी जाएगी तो आपको लगेगा नहीं 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 बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, हालेलुया, क्योंकि मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रोज मिर्च खाएगा, एक हमारे थे वो मिर्च की सब्जी खाते थे, मिर्च की सब्जी, आप उसकी अगर सुगंध ले लेंगे गला खराब खत्म हो जाएगा। उनका हलवाई था उनके पास, वो सुगंध वो मिर्च की सब्जी ही खाते थे, लेकिन मर गए। आप समझ रहे हैं, आपकी आत्मा जिंदा हो गई है। अब आप पाप देखते भी हैं तो आपको लगता है ये पाप है, क्योंकि आत्मा हाथ में जिंदा है। पहले आपकी आत्मा मरी हुई थी, आपको पाप से मजा आता था, आपको झूठ से मजा आता था कि नहीं यार झूठ तो बोलना ही पड़ेगा यार, क्या हुआ मैंने कर लिया तो क्या हुआ, क्या हुआ मैंने धोखा दे दिया तो क्या हुआ। लेकिन अब नहीं, हालेलुया, क्योंकि आपकी आत्मा जिंदा हो गई है, आपका मन नया हो गया है, और उस आत्मा के लिए जो जिंदा हो गई, जो नई हो गई है वो मन, उसके लिए परमेश्वर ने कपड़े दिए। बिना कपड़ों के आपको नहीं रहना है, और वो कपड़े हैं सत्य। सत्य को अपनी कमर से बांधो, धार्मिकता की झिलम को पहन लो,
क्योंकि आपका युद्ध किससे है? दुष्ट आत्माओं की सेना से, जो आपकी आत्मा को देख रही है। प्रेज द लॉर्ड। आप मत समझिए मेरी बहन, आप बच जाएंगी। आपके अगर कपड़े आपकी आत्मा पर नहीं है, आप नहीं बच सकते। शैतान आपको आज नहीं तो कल खींच लेगा, वो हमला करेगा। आपका सत्य आपके पास है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? बोलिए। सत्य यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए सत्य क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह आपके पास हमेशा होना चाहिए। सत्य क्या है? यीशु मसीह। धार्मिकता की जन्म क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी आत्मा, उसकी पवित्रता। प्रेज द लॉर्ड, जो उसने हमें यीशु मसीह के द्वारा दी है। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध कर दिया, हम पवित्र हैं। हालेलुया। उसके बाद क्या है? आत्मा की तलवार से परमेश्वर का वचन, विश्वास की ढाल। कैसे? देखिए, पहला पत्रस 5:9 बोलाइए, 5:9। 5:8 आपने पढ़ा कि जो सचेत रहिए, जागते रहिए, क्योंकि शैतान भूखे शेर की तरह आपकी तरफ निहार रहा है। इसका नवा क्या कहता है? पहला पत्रस 5:9 जल्दी निकालिए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे। विश्वास में आपको दृढ़ कैसे होना है? आपका विश्वास दृढ़ कैसे रहेगा? आपका विश्वास और रोज मजबूत कैसे होगा? हालेलुया। अगर आप कपड़े पहनेंगे, अगर आप रोज अंगीकार करेंगे, नहीं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मुझ में है, यीशु की धार्मिकता, उसकी आत्मा मुझ में है, हालेलुया, यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपका ये अंगीकार आपके विश्वास को रोज दृढ़ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने अंग, हम अपने शरीर को बहुत सजा के रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। कई बहनों को देखा है जो अपना अंग बिल्कुल दिखाते, नहीं नहीं नहीं, ऊपर का बिल्कुल बंद, नहीं नहीं, चुन्नी बिल्कुल आचाम से, हाल ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही सतर्कता हमें आत्मा के साथ करनी है कि मेरी आत्मा ढकी हुई है कि नहीं, नंगी तो नहीं है मेरी आत्मा। मैंने सत्य को पहना हुआ, जब मैं घर से निकलूं तो सत्य मेरे साथ हो। अगर सत्य मेरे साथ नहीं है तो मेरी आत्मा नंगी है, और अगर मेरी आत्मा नंगी है, शैतान मुझे फाड़ खाएगा। आप दोष मत दीजिए किसी को, दोष मत दीजिए, प्रभु को दोष मत दीजिए, पास्टर को दोष मत दीजिए, अगर आपके संग कुछ गलत होता है, क्योंकि शैतान फल खाएगा आपको। प्रभु ने आपको अस्त्र शस्त्र दिए, प्रभु ने आपको कपड़े दिए, अब आप उन कपड़ों को नहीं पहन रहे हैं। हम जब भी बात करें आत्मा से करें। हालेलुया। यीशु पर शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह धरती पर आए। मती 2:2, जोशी आए यीशु मसीह को देखने के लिए, वो तारा जो यीशु मसीह का तारा था वो जोशियों को लेकर आया, लेकिन क्या किया शैतान ने? अगर वो अध्याय पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि शैतान ने उस तारे को छुपा दिया ताकि जोशी रास्ता भूल जाएं। और जोशी रास्ता भूल गए, कहां पर चले गए? वो हेरोदेस के महल में चले गए, और क्या पूछा? अरे यहूदियों का राजा यहां है। हेरोदेस डर गया, अरे मेरी गद्दी छीनने के लिए कौन आ गया है? प्रेज द लॉर्ड। मेरी गद्दी छीनने के लिए कौन आ गया? ये कौन सा राजा है? पता लगाओ भाई। पढ़िए दूसरा, मती 2:2, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका तारा, उस तारे को छुपा दिया शैतान ने, और क्या किया? इसका 8 देखिए, राजा हेरोदेस ने क्या चाल चली। अब देखिए शैतान क्या कर रहा है।
आठवां और नौवां देखिए। और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम में भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं उसी उस ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। प्रेज द लॉर्ड। हेरोदस का इरादा प्रणाम करने का नहीं था, उसका इरादा था उसको मारने का। इसलिए आगे उसने क्या कहा कि 2 साल के जितने बच्चे उनको मार डालो। इसका दसवां पढ़िए, नवा दसवां। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। अलग एक मिनट, वो राजा जो उन्होंने वो तारा जो पूर्व में देखा था, वो तारा जो शैतान ने छुपा दिया था, अब फिर शैतान ने उस तारे को दिखा दिया। अब वो तारे को देखते हुए यीशु मसीह को देखने जा रहे हैं, क्योंकि शैतान की योजना यहां काम कर रही है कि जैसे ये जाएंगे उस तारे को नमन करेंगे, हेरोदस को बताएंगे और हेरोदस यीशु को मार देगा। शैतान नहीं चाहता है, शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह जिंदा रहे। शैतान परमेश्वर की हर योजना को नष्ट करने करता है। इसलिए उसने परमेश्वर ने जो आपको आत्मा जिंदा दी है, अगर आप अपनी आत्मा को कपड़े नहीं पहनाएंगे, अगर आप अपनी आत्मा को नंगा रखेंगे, मेरी बहन मेरे भाई, आज नहीं तो कल आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई पाप वो आप में डालेगा, किसी ना किसी तरीके से आपको पाप का अंगीकार बनाएगा, स्वार्थ आपके अंदर लेकर आएगा। उसने यीशु मसीह के साथ भी यही किया। हालेलुया। लूका चार का दो देखिए, उसने यीशु मसीह के साथ भी यही किया। यीशु मसीह भूखे थे, पवित्र आत्मा उन्हें ले गई, आपका रेगिस्तान में ले गई पवित्र आत्मा, वहां पर 40 दिन का उपवास हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर शैतान आया, जैसे उपवास कंप्लीट हो गया शैतान आया। शैतान ने क्या कहा, अरे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल कि रोटी बन जाए। हेलो, कहा था याद है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का उपवास कंप्लीट हो गया था। क्या भूख लगना गलत है? क्या रोटी खाना गलत है? क्यों कहा था उसने? क्या यीशु मसीह पत्थर को रोटी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, तो क्यों कहा था? क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ को अपने लिए यूज करना क्या है? स्वार्थ। परमेश्वर के सामर्थ को अपने लिए उपयोग में लाना क्या है? स्वार्थ। इसका मतलब शैतान उनसे पाप कराना चाहता था, उसको पाप में डालना चाहता था। जब ज्योतिषियों से बात नहीं बनी, जब ज्योतिषियों से बच गया यीशु मसीह, तो सामने आकर खड़ा हो गया शैतान, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोल के रोटी बन जाए। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं संभाला, अगर आपने अपनी आत्मा को अस्त्र शस्त्र के कपड़े नहीं पहनाए, तो कभी तो वो आपके दोस्त की वजह से, कभी आपकी सहेली की वजह से, कभी आपके पति की वजह से, कभी भी आपको गहराई पर, आपको षड्यंत्र के द्वारा पाप में डालने की कोशिश करेगा, और अगर आप फिर भी नहीं माने तो एक दिन वो सामने खड़ा हो जाएगा। प्रभु के अस्त्र शस्त्र उन कपड़ों को धारण रखिए मेरी बहन, अगर आप चाहती हैं विजय, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, मैंने बचपन से बुढ़ापे तक कभी भी किसी धर्मी को और उसके बच्चों को भीख मांगते हुए नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चिंता छोड़ दीजिए, मेरा और आपका बच्चा कभी भीख नहीं मांगेगा। कभी नहीं भीख मांगेगा। अपनी नौकरी की चिंता मत करिए, क्या खाएगा क्या पिएगा, अरे नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है। हालेलुया। मैं आवाज लगाऊंगा और स्वर्ग से रोटी उतरेगी। इसलिए मुझे अपने परमेश्वर के अस्त्र शस्त्रों को पहनकर चलना है, ताकि शैतान मेरे जीवन में काम ना करे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड।
अगर एक लड़की रात को 12-12 बजे तक कम कपड़े पहनकर रात को घूमती है और उसके संग गलत काम होता है, तो क्या वो दोष देगी किसी को? गलती किसकी है? प्रेज द लॉर्ड। मैं अगर आत्मा को नंगा करके, अस्त्र शस्त्र नहीं पहनकर, परमेश्वर के वचन पर ना चलकर अगर इस संसार में घूमूंगा और शैतान मुझे आकर घेरेगा और तीर चलाएगा और मुझे भेदेगा, मैं क्या यीशु मसीह पर दोषी दूं? यीशु तूने क्या किया? यीशु कहेगा तू बहरा है या तू अंधा है? बाइबल में लिखा हुआ नहीं है? क्योंकि हम अपने शरीर को राजा बनाते हैं, हमारा शरीर राजा है, हम जानते नहीं, इसलिए हमसे शरीर से पाप करवाते हैं। और स्वार्थ उसमें बहुत बड़ा पाप है जो समझता नहीं इंसान, इंसान कर जाता है स्वार्थ में, झूठ भी बोल जाता है, स्वार्थ में धोखा भी दे देता है। मेरे भाई अपने आप को बचाइए, अपने आप को समझ दीजिए। अगर वो आपने कपड़े पहने होंगे ना मेरी बहन, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कभी स्वार्थ से झूठ नहीं बोलेंगे। वो जो कपड़े आपने पहने हैं ना, वो कपड़े बचाएंगे आपको, क्योंकि यीशु का सत्य, यीशु की धार्मिकता आपको दे दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम आपकी है, शैतान आपको आपके कपड़ों से पहचान रहा है। ये मसीह है लेकिन फिर भी नंगा है, ये मसीह है फिर भी इसके पास सत्य की बेल्ट नहीं है, सत्य को इसने कमर से नहीं बांधा, धार्मिकता के झिलम को नहीं पहना, इसके मुंह से वचन निकलता ही नहीं, कुछ और ही बातें निकल रही है, बिजनेस की बातें, यहां की बातें, वहां की बातें, वचन है ही नहीं कहीं। शैतान पहचान देता है इसके पास आत्मा की तलवार नहीं है, पकड़ो इसको और भेदो इसको, इसके पास आत्मा की तलवार ही नहीं है। जो मैंने तलवार दी थी वचन, वो है ही नहीं इसके पास। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या किया? आत्मा की तलवार से प्रभु के वचन बोले। प्रेज द लॉर्ड। लुका चार का एक पढ़िए। आत्मा की तलवार से प्रभु के वचन बोले, पढ़िए बेटा 4:1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परीक्षा करता रहा और यीशु मसीह आत्मा से उसको जवाब देता रहा, आत्मा की तलवार से उसको जवाब देता रहा। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग जानते हैं, स्टोरी के जानते हैं, इसी का 14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। हेलो, क्या था यीशु मसीह के पास? धार्मिकता की झिलम, आत्मा से परिपूर्ण होके गया था और उसने आत्मा की तलवार से शैतान को जवाब दिया। क्या हो गया? वो परिपूर्णता, वो आत्मा की परिपूर्णता क्या बन गई? सामर्थ बन गई। प्रेज द लॉर्ड। फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। मेरी बहन, जब आपके पास आत्मा का सामर्थ होगा ना, आपको जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपके पास आएगी। दुनिया आपके पास आएगी। अगर आपके पास आत्मा का सामर्थ है, आपका कर्ज देने वाला आपके पास आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आत्मा को कपड़े पहनाने हैं, फिर आपकी आत्मा सामर्थ से भर जाएगी। उसको भोजन दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी बहन, मेरे भाई, हमें चिंता का विषय नहीं है। आपकी चिंता क्या होनी चाहिए? कि आपकी आत्मा नंगी है। हमारी चिंता क्या है? कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास सर्विस नहीं है,
प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी आत्मा की चिंता नहीं कर रहे हैं, जिसके पास भोजन नहीं है वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, खड़ी नहीं हो पा रही आपकी आत्मा, और ऊपर से उसके पास कपड़े नहीं है। हेलो, कैसे हम आशीष पाएंगे, कैसे प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में काम करेंगी? हमें सिर्फ कपड़े पहनने। हालेलुया। घर से निकलते समय हमें आत्मिक कपड़े पहनने हैं, चाहे हम कहीं भी जाएं, सब्जी लेने जाएं, धंधे पे जाएं, सर्विस पे जाएं, बिजनेस पे जाएं, जाने से पहले देखिए कि आपने सत्य को अपनी कमर से बांधा है, धार्मिकता की झिलम को पहना है, आत्मा की तलवार आपके पास है, विश्वास की ढाल को आपने लिया है कि नहीं लिया है, उद्धार का टोप, वो मान और सम्मान, आपका मान और सम्मान आपके अंदर, मान और सम्मान आपका क्या है, आपका उद्धार हो चुका है। हालेलुया। क्या है आपका मान सम्मान? आप धरती पर चल रहे हैं लेकिन स्वर्ग के अधिकारी हैं। जब आप चले धरती पर तो लोगों को पता लगना चाहिए आपकी चाल से कि आप उस राजा के पुत्र हैं। हालेलुया। हम उस राजा के पुत्र तो बन गए, लेकिन हमें किससे हैं, हमें अपने दोस्तों के कुछ पैसा मिल जाए हम उसकी तरफ देखते हैं। आज देगा, कल देगा ना, दो दिन के बाद देगा ना, हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? हम राजा के पुत्र हैं। अरे लोगों को हमारी तरफ देखना चाहिए। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि आपने अपनी आत्मा को नंगा किया हुआ है, आपने धार्मिकता की झिलम नहीं पहनी हुई है। यूहन्ना 8:29, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। देखिए कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है यहां पर? यीशु मसीह। क्या बोल रहा है? मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। आमेन। वो मेरे साथ है, वो मेरा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जो उसे पसंद है। मैं अपनी इच्छा के काम नहीं करता हूँ। हेलो, उसने आपको आत्मा दी है और आप आत्मा की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप आत्मा को नहीं संभाल रहे हैं। पिता की इच्छा है, यीशु कहता है मेरा पिता मेरे साथ है। क्योंकि मैं वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। हम जीवन में कैसे जीते हैं, हम सुबह अपना जीवन कैसे शुरू करते हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए हम जीवन शुरू करते हैं। बस सुबह हुई, हाथ जोड़े, और आज क्या है, आज वहां जाना है, आज ये धंधा है, आज वो धंधा है, उसको उठाया, आज यहां जाना, भूल गए, सब कुछ भूल गए। फिर रात को आए, थक हार कर आज क्या मिला क्या नहीं मिला, थोड़े दुखी थे, थोड़े आनंद थे, थोड़ा कहीं से सुख मिला, ये मिला, झूठ मिला, धोखा दिया किसी को। अब हम खुद अपने आप को जांचें कि आज का जीवन, जब रात को सोएं तो अपने आप से पूछिए, क्या मैंने जो जो काम आज किए हैं, क्या मैंने अपने पिता को प्रसन्न किया है? मेरे इन कामों से जो जो मैंने किए हैं, क्या मेरा पिता प्रसन्न हुआ होगा? पूछिए अपने आप से रात को सोते समय। हालेलुया। मेरे भाई, हम आप लोग गलत चिंता करते हैं अपने धंधे की, अपने नहीं, प्रभु की चिंता करिए।
धंधा अपने आप चलेगा, क्योंकि अगर आपने संसार प्राप्त कर लिया और अपनी आत्मा को खो दिया तो हमने क्या पाया? कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। कलीसिया आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हमने कलीसिया में बच्चों की क्लासेस रखी हैं, संडे स्कूल है, ताकि आपके बच्चे अभी से वो ज्ञान हासिल करें, अभी से उनके अंदर वो वचन जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आप नहीं जानते हैं, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इन्हीं बच्चों से परमेश्वर इतिहास रचने वाला है, इन्हीं बच्चों के द्वारा। आपके बच्चे ही खड़े होंगे, वर्शिप करेंगे आगे आने वाले वक्त में। आपके बच्चे खड़े होंगे जो किसी को बताएंगे पिता के बारे में, यीशु के बारे में। आपके ही बच्चे खड़े होंगे जो आत्मा से जिंदा होंगे, जो शैतान को पूरी तरीके से हराएंगे और इतिहास बनाएंगे। आपके बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी से उनके दिमाग में, उनके मन में प्रभु का वचन जा रहा है। आप नहीं समझते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। हमारी एक बहन सेक्रीफाइस कर रही है वहां बैठकर, उसको वचन नहीं मिल रहा आज का, वो सेक्रीफाइस कर रही है, लेकिन क्योंकि वो जानती है कि मैं जो दे रही हूं उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। आप में से भी अगर कोई चाहता है संडे क्लास लेना और आपको वचन का ज्ञान है, प्लीज सामने आइए, बोलिए नहीं पास्टर आज संडे क्लास मैं लूंगी, मैं बच्चों को बताऊंगी वचन के बारे में। घर में तैयार करिए वचन के बारे में, वचन पूरा हफ्ता। नहीं पास्टर मुझे फोन करिए, पास्टर संडे क्लास मैं बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ, इन बच्चों को और मैं शिक्षा देना चाहती हूँ। अपने अंदर बोझ पैदा करिए, आत्माओं को जीतने का बोझ पैदा करिए। आप आत्माओं को कब जीतेंगी? जब आप अपनी आत्मा की परवाह करेंगी। आप आत्मा को जीतने का बोझ आपके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी आत्मा की चिंता नहीं कर रहे हैं। आपकी आत्मा नंगी पड़ी हुई है, उसके अंदर बोझन नहीं है, आपको परवाह ही नहीं है, आपको परवाह ही नहीं है। इसीलिए आपके अंदर बोझ नहीं है कि मैं दूसरी आत्मा को जीतूं। जिस दिन आप अपने आत्मा को संरक्षण, अपनी आत्मा को भोजन देना शुरू करेंगे, जिस दिन आप अपनी आत्मा से प्यार करेंगे ना मेरी बहन, आपको दुश्मन की आत्मा भी प्यारी लगेगी। क्यों नहीं प्यारी लगती? क्योंकि आपको अपनी आत्मा से प्यार नहीं है, आपको अपनी आत्मा की कीमत नहीं पता जो परमेश्वर ने दे दी है, आपकी आत्मा को जिंदा कर दिया, उसकी कीमत आपको नहीं पता है। कितनी बड़ी कीमत है, मेरी आत्मा जिंदा हो गई है, उसको मैं यूं ही नहीं फेंक सकता। अपने शरीर के थोड़े से सुख के लिए मैं आत्मा का फिर से नाश नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु कहता है अपने चेलों को, उसने पैर धोए। योहन्ना 13:15 क्या कहता है? जैसा मैंने किया है मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, योहन्ना 13:15, वैसा ही तुम करो, वैसा ही तुम करो, वैसा ही तुम करो। बोलो। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। आमीन। हमें यीशु नमूना दिखा कर गया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मत चिंता करिए, प्रभु आपकी चिंता कर रहा है। आप कलीसिया से जुड़े रहिए, हर चीजें परमेश्वर आपको मुहैया करवाएगा। आप धंधे की चिंता मत करिए। शपथ सुनते हैं रोज, लेकिन शपथ को समझते नहीं हैं आप। पढ़िए पढ़िए दूसरा कुरिन्थियन 10:3-5। हमारा मलयुद्ध, अब उसमें क्या लिखा? हमारे पास जो हथियार, यद्यपि हम शरीर में चलते हैं। क्या शपथ आप सुनते हैं ना रोज? सुनिए, बताइए
पहला कुरिन्थियन 10:3-5, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा युद्ध हमारा मांस और लहू से हमारा युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध तो दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेनाओं से है। मेरी बहन, आप नहीं जानते आपके आसपास इस कलीसिया के बाहर कितनी दुष्ट आत्माओं की सेना इस समय है, आपके घर के आसपास कितनी दुष्ट आत्माओं की सेना है आप सोच नहीं सकते। हम उसको समझ नहीं रहे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। नेक्स्ट, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। इसलिए वो कहता है आत्मा को अस्त्र शस्त्र पहनाओ। हेलो, आपकी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, आपके लड़ाई के हथियार किस चीज के हैं? आत्मा के हैं। वही तो बोल रहा है फीसियो कि अपने अस्त्र शस्त्र धारण करो। इफिसियो 6:13 क्या कहता है? अपने अस्त्र शस्त्र जो कि तुम्हारे शरीर के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा के लिए है, उसको धारण करो जो कि तुम्हारे पास है। हेलो, जो कि तुम्हारे पास है। आपके पास है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गणों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। आप नहीं जानते अपनी ताकत को। हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए रोते हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये काम नहीं हुआ, क्या होगा कल को, क्या होगा मेरे धंधे का, क्या होगा। अरे हट, मेरे पास वो सामर्थ है जो मैं गणों को ढा सकता हूं। किले के किले बनाएगा ना शैतान अगर मेरे खिलाफ, वो बनाता है, शैतान किले बनाता है मुझे ध्वस्त करने के लिए, लेकिन मेरे पास वो हथियार है, एक ही पल में गढ़ के गढ़ में ध्वस्त कर दूंगा, एक ही पल में, एक ही पल में। उसको सालों साल लग जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से मैं ऐसे उस हथियार का उपयोग करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, गणों के गणों, क्या लिखा है, गणों को ढा देने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य हथियार मेरे पास हैं। हम फिर भी डरते हैं। अरे आपको तो आनंदित होना चाहिए। हालेलुया, गणों को ध्वस्त करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य। आगे पांचवा, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ओछी बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर कोई गलत योजना आपके दिमाग में आती है जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, उसका खंडन करिए, हट चल, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे गुलाम बनाती हूं, निकाला उसको। हट, मन में आता है कि नहीं यार, एक सामने वाला है आदमी, उसको दौड़ा बेवको बनाकर पैसे ले सकते हैं, हट, ये गलत योजना, निकालो उसको यीशु मसीह के नाम से, इसको मैं गुलाम बनाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम उन कल्पनाओं को, आपको कल्पनाएं आती हैं, शैतान कल्पना देता है, अरे थोड़ा पश्चाताप कर लेना ना यार, क्या हुआ, एक झूठ बोलकर अगर तुझे 10,000 मिलते हैं, पश्चाताप कर लेना, क्या जाएगा। ये कौन बोल रहा है? शैतान। ये कल्पनाएं दे रहा है वो आपको। अरे कलीसिया नहीं जाएगा तो घर में बैठ, बरसात हो रही है, देख तुझे जुकाम भी है, बदन में भी दर्द हो रहा है, बिक जाएगा। घर में भी तो प्रार्थना होती है, घर में भी तो वचन है,
शैतान क्या दे रहा है? कल्पनाएं दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक वीक बीता, दूसरा वीक कुछ हुआ, देख टीवी चालू कर, वहां भी कोई वचन आ रहे होंगे, वो सुन ले। कलीसिया कहाँ जाना है? अरे नहीं नहीं यार, मुझे दान देना। अरे किसी गरीब को खिला दे। ओ अच्छा, हाँ यार ये बात भी सही है। आहिस्ता आहिस्ता आप शैतान के कब्जे में आ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यीशु कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, घर को लेने नहीं आ रहा है। जब यीशु मसीह आएगा तो आपसे पूछेगा कि आप कलीसिया से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। कलीसिया से जो अलग हैं उनको लेने नहीं आ रहा है, क्योंकि कलीसिया उसकी देह है। यीशु की कलीसिया, यीशु की देह, यीशु का शरीर कौन है? उसकी कलीसिया। और हम कौन हैं? उसके अंग। अगर हम उसके शरीर के अंग बनेंगे तो ही वो अपने शरीर को लेकर जाएगा। इसलिए आंधी हो, तूफान हो, ये हो वो हो, परमेश्वर के आशीर्वाद से कलीसिया से जुड़िए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बहुत बता रहा हूं मैं आपको, एक उपाय बता रहा हूं, अपने जीवन से गलत चीजों को निकालने का उपाय बता रहा हूं आपको मैं। चंगाई के लिए मत आइए, आज मेरा हाथ ठीक नहीं है तो मेरा पैर ठीक नहीं है, वो तो होगा ही। अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए आइए कि आज मेरी आत्मा और शक्तिशाली हो, आज मेरी आत्मा को भोजन मिले। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आत्मा को भोजन ही नहीं मिल रहा। मेरी बहन, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, सच सच कहता हूं, अपने बच्चे से ज्यादा अपनी आत्मा की खबर रखिए। आप अपने बच्चे को फीड करने के लिए, भूख उसको रोटी देने के लिए क्या क्या करते हैं? करिए, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा की परवाह उससे ज्यादा करिए। मेरी आत्मा कहीं शैतान के हाथ ना आ जाए, मेरी आत्मा को जिंदा। और प्रभु ने अस्त्र शस्त्र दिए हैं मुझे, हथियार दिए, कपड़े दिए, कपड़े आत्मा के कपड़े। इसलिए वो कहता है, कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है उसको यीशु मसीह का गुलाम बना। हप, नीचे हट। आता है सबको, आता है। आप क्या समझते हैं? शैतान हमें नहीं देता, हमें बुद्धि हमें नहीं देता, गलत चीजें नहीं देता है। हमारा ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है मेरे पास। मैंने आपको शायद बताया भी था, कई लोग ऐसे आते हैं जो हमारे ट्रस्ट का यूज करना चाहते हैं और पैसे देना चाहते हैं लाखों करोड़ों में। हम आपके ट्रस्ट को यूज करेंगे, नाम सिर्फ, कैश देंगे, हमें चेक दीजिए, नहीं चाहिए। मुझे वो काम नहीं करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। मुझे वो सुख नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। और आज तक विश्वास करिए, मैं कभी परमेश्वर, मैं कभी भी किसी से के लिए प्रार्थना करता हूं एक पैसा नहीं मांगता हूं, कभी नहीं। मेरी पत्नी जानती है, नहीं कभी भी नहीं। कितने फोन आते हैं, नो कभी नहीं। नहीं कभी कहता हूं कि मुझे जरूरत है, नहीं। परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। और मैं सच कह रहा हूं, मेरी पत्नी जानती है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आज तक।
ये चर्च बनाया मैंने हाथ नहीं फैलाया, मैंने मना किया। इस चर्च को जब बना रहे थे, मेरी बहनें जानती हैं, उसके बाद भी लोग पैसा दे रहे थे, हमारी बहन है और ले लो। मैंने कहा नहीं बहन, हो चुका है, हमको नहीं चाहिए। लोग ले लेते हैं, नहीं चाहिए। धन्यवाद, कलीसिया बन गए। नहीं, मेरे चर्च में आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि दान दशाएं आपको देना ही पड़ेगा। देना है क्योंकि उसकी आज्ञा है, आप नहीं देंगे वो जाने और आप जाने, नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि आपके दशान से मेरा चर्च नहीं चलता है, मेरा चर्च यीशु के आशीष से चलता है। आपके दान दशा, लेकिन अगर आप दशांश देंगे तो उसका कवच आपके ऊपर होगा, हर पल वो आपको संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दशांश देना बहुत जरूरी है, उसकी आज्ञा है। अगर हम दशांश नहीं देते हैं तो हम उसके घर में चोरी करते हैं। इसलिए वो कहता है हगै का 4:6, इसीलिए तेरी जेब फटी हुई है, क्योंकि तू दशांश नहीं देता है, तेरी जो डालता है वो निकल जाता है, इसलिए तेरी जेब में छेद है, क्योंकि आप उससे चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। आप विश्वास के संग परमेश्वर के वचन पर चलिए, आप देखिए कहां से कहां पहुंचेंगे, कहां से कहां आप सोच नहीं सकते हैं। नियत से, दिल से समर्पित होकर प्रभु को प्यार करिए। मैं सच कह रहा हूं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसका बन जाइए, उसका बन जाइए। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसके अस्त्र शस्त्र धारण करिए। और इफिसियों 6:18 क्या कहता है, लास्ट का जो अस्त्र शस्त्र बहुत जरूरी है, पढ़िए 18वां। इफिसियों 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनंती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनंती किया करो। आमेन, आमेन। हर समय और हर प्रकार से किसमें प्रार्थना करते रहो? आत्मा में। सब लोग बोलिए किसमें? आत्मा में। जोर से बोलिए। प्रार्थना एक हथियार है, हर प्रकार से प्रार्थना करते रहिए। कैसी प्रार्थना? मुझे रोटी दे दे, मुझे धंधा दे दे, आज उसका पैसा मेरा हो जाए। नहीं, ये प्रार्थना नहीं। मैं प्रभु में स्थिर रहूं, तेरी बनी रहूं प्रभु, मैं तेरा बना रहूं, मुझसे कोई गलती ना हो, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे। प्रार्थना करिए, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, मैं कोई गलत चीज सुनूं नहीं, मैं कोई गलत चीज देखूं नहीं प्रभु, नहीं नहीं। आत्मा में हर समय, हर पल, हर प्रकार से खाना बना रही है, प्रार्थना करिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके बच्चे, आपके पति की सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में होगी। आप उस हथियार को जानती नहीं है, आप जानती नहीं है, आपकी प्रार्थना आपके पूरे परिवार को सुरक्षा दे रही है। सुबह उठिए प्रार्थना के लिए, अपनी नींद को तिलांजित करिए। अगर आप घर पे ही हैं, दोपहर में सो जाइए, उसको बताइए प्रभु कि मैं तुझे इतना प्रेम करती हूं कि मैं तेरे लिए अपनी नींद को कुर्बान करती हूं। बताओ उसे कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूं। रात को 11 बजे आती हो, सुबह 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, घुटने पे आओ, घुटने पे आओ, उससे बोलो यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, तेरी शांति मेरे जीवन में बनी रहे, तेरी सुरक्षा मेरे मन में बनी रहे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, ताकि तेरी समझ के अनुसार मैं चलूं, अपनी समझ के अनुसार ना चलूं। आप मांगिए, मैं कह रहा हूं आपके पास वो बुद्धि आ जाएगी कि लोग आपसे राय लेने के लिए आएंगे। मत मांगिए अपने लिए कुछ भी,
अपनी आत्मा के लिए मांगिए, अपने परमेश्वर से संबंध के लिए मांगिए। मैं सच कह रहा हूं, आप नहीं जानते हैं, वो परमेश्वर जिसने आपको पाने के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया, वो क्या आपको सब कुछ नहीं दे सकता? रोमियो 8:32, सब कुछ दे सकता है वो आपको एक पल में, एक पल में। वो आपके मन को देखता है, इसलिए मन से प्यार करिए मेरी बहन। जो वो नहीं चाहता है मत करिए, फिर दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, शैतान आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में काम करता है, और फिर आप कहते हैं देखो क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो चर्च आती हूं इतने सालों से। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और अगर आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो कौन काम कर रहा है आपके जीवन में? शैतान। धंधा अगर आपको करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, उससे अनुमति लीजिए, मैं क्या करूं। बिना अनुमति लिए आप करेंगे, पैसा यहां फंसा, वहां फंसा, वहां फंसा, फिर आप कहेंगे पास्टर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। होगा, कोई रोक नहीं सकता है आपका पैसा। आप जहां खड़े हो जाएंगे ना, वहां से नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 17:7-8, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा करता है, उसने उसको अपना आधार बनाया है। यिर्मयाह 17:7-8 पढ़िए। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ, आगे, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आगे देखिए, वह उस वृक्ष के समान हो जो होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। पतझड़ में भी आप फलेंगे। लोगों के लिए पतझड़ का सीजन होगा मेरी बहन, लेकिन आपके पेड़ के फल लगेंगे। कौन? जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है, उसको किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं है, कभी नहीं होगी। उस वृक्ष की तरह होंगे आप जो किनारे लगे होंगे, यानी कि आप जहां लग जाएंगे, जहां होंगे वहां से आप दुकान कहीं भी शुरू करिए ना, धंधा कहीं भी शुरू करिए। आशीष देने वाला कौन है? प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपकी आत्मा दी है बहुत बहुमूल्य है, आपकी आत्मा को जिंदा किया है, उसके अस्त्र शस्त्र रोज पहनिए। घर से निकलते समय नियम बना लीजिए, याद रखिए कि सत्य है मेरे साथ। सत्य कौन है? यीशु। उसकी धार्मिकता के कपड़े मैंने पहने हुए हैं, उसकी झिलम, उसकी पवित्र आत्मा के अनुग्रह से उसकी अगुवाई में चलिए। विश्वास करिए, अंगीकार करिए कि उसके लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूँ। यीशु का आत्मा मेरे अंदर है, यीशु का मन मेरे अंदर है। वचन, उसकी आत्मा की तलवार से वचन बोलिए, विश्वास की ढाल। नहीं, मेरा कोई अहित नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास क्या कहता है? भजन संहिता 23:1-2, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। यही तो विश्वास की ढाल है। यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन अच्छी भेड़ कौन होती है? जो चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। आपको कोई कमी घटी नहीं होगी कभी भी।
यही विश्वास आपके अंदर होना चाहिए जब आप घर से निकलें कि यहोवा मेरा चरवा है, आज का धंधा चलेगा, मुझे आशीष मिलेगा, मेरा आदमी सुरक्षित गया है, सुरक्षित वापस आएगा, मुझे कोई कमी घटी कभी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे ले जाने वाला, मुझे रास्ता दिखाने वाला, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाने वाला मेरा पिता मेरे साथ है। ये विश्वास करिए, आप कहीं भी जाइए, मायूसी नहीं, उत्साह, मेरे संग कौन है, मेरा चरवा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी क्या हम थोड़े से दुख से डर जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, धंधा नहीं चल रहा है एक महीने से, हालेलुया, नौकरी नहीं है, अभी क्या होगा, पानी है, आटा भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, सिर्फ पानी है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप डर जाते, उस समय भी अंगीकार करिए कि परमेश्वर मेरा चरवा है। हालेलुया, क्या पता परमेश्वर उस पानी को शरबत बना दे। क्या पता परमेश्वर चाहता है कि मैं इसे शरबत पिलाऊं, लेकिन कब, जब उस पानी पर आप विश्वास करेंगी, जब आप उस रोटी पर विश्वास करेंगी, जब आप उस पानी पर विश्वास करेंगी, वो शरबत बनेगा, लोगों के मन बदल देगा परमेश्वर आपके लिए। अंगीकार करिए, वो मेरा चरवा है, वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये अंगीकार करते रहिए, स्तुति आराधना करते रहिए। कोई भी गर्दन में दर्द है, यहां दर्द है, स्तुति गाइए, धन्यवाद हे यीशु, धन्यवाद, आप देखिए आपकी बीमारियां दूर होती जाएंगी, आपके दर्द दूर होते जाएंगे, बुखार निकल जाएगा, घर में आशीष ही आशीष होगा। स्तुति आराधना करिए, नींद नहीं आ रही है, स्तुति आराधना करते रहिए। हथियार है, और अपनी आत्मा को कपड़े पहनाइए। मैं सच कह रहा हूं मेरी बहन, इस बात को गांठ बांध लीजिए, नहीं तो शैतान आपको खींच के लेके जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी। जब आप नष्ट हो जाएंगी तब आपको एहसास होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आत्मा की फिक्र करिए, मेरी आत्मा ने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, मेरी आत्मा को भोजन मिला है कि नहीं मिला है। इसलिए नाश्ता करने से पहले अपनी आत्मा को भोजन खिलाइए। सुबह जब उठते हैं वचन पढ़िए, पहले आत्मा को भोजन दीजिए फिर शरीर को भोजन दीजिए, पहले आत्मा के लिए सोचिए फिर शरीर के लिए सोचिए, आप देखिए आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया, आज का वचन हमने समझा, हालेलुया, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, जोर से बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।